लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने बनेंगे 551 डेडिकेटेड पीएसए ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर फंड से होगी स्थापना। गृह मंत्री अमित शाह ने जताया आभार। पीएम केयर फंड से मिलेगी जन आरोग्य सेवाओं को मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ की मन की बात। डॉक्टरों, एम्बुलेंस चालकों और कोरोना योद्धाओं के अनुभवों के जरिए देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए किया आह्वान। सावधानियां अपनाएं, वैक्सीन लगवाएं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जैन धर्म प्रवर्तक भगवान महावीर की जयंती पर दी बधाई। पीएम ने कहा, भगवान महावीर का जीवन संदेश शांति और आत्मसंयम की देता है सीख। रमजान पर्व की भी दी शुभेच्छा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के माउथ अल्सर की सर्जरी। डॉक्टरों ने गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद शुरू की चिकित्सा। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक ने दी जानकारी। स्वस्थ हैं शरद पवार, हॉस्पिटल में कर रहे आराम। महाराष्ट्र के लिए मोदी सरकार 30 अप्रैल तक भेजेगी रेमडेसिविर की 435,000 इंजेक्शन। राज्य के अस्पतालों में किल्लत दूर करने की पहल। सीएम उद्धव ठाकरे ने मंजूरी के लिए जताया प्रधानमंत्री का आभार। कोरोना से हाहाकार के बीच मरीजों के लिए बड़ी राहत। महाराष्ट्र में दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत। मोदी सरकार ने बढ़ाई ऑक्सीजन सप्लाई। हर दिन हो रही 1785 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति। गुजरात और कर्नाटक से डबल आपूर्ति करने पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताया पीएम का आभार। दिल्ली में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, बड़ी आपदा की घड़ी में भारतीय बनने का वक्त। कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने और एक दूसरे को मदद करने का किया आह्वान। मुंबई में एमएमआरडीए को सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया निर्देश। मलाड़ में बनेगा 2000 बेड का जंबो कोविड केयर सेंटर। 400 आईसीयू बेड की होगी व्यवस्था। एमएमआरडीए अधिकारियों ने लिया जगह का जायजा। जल्द पूरा होगा काम। थाने जिले के महानगर पालिका क्षेत्रों में बनेगा ऑक्सीजन प्लांट। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की घोषणा। थाने में 3, नोइंबई और कल्याण डोंबिवली में बनेंगे 2-2 ऑक्सीजन प्लांट। पनवेल, वसई, विरार, उल्लासनगर, भिवंडी में बनेंगे 1-1 प्लांट। थाने जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने किया नोइंबई के कोविड सेंटर का दौरा। अग्नि सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करने पर दिया जोर। विरार के हॉस्पिटल में आग से हुई मौतों के बाद चौकन्नी है सरकार। नोइंबई के खारघर गुरुद्वारा ने शुरू किया मानव सेवा अभियान। कोरोना मरीजों के लिए फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरतमंदों को बांट रहे खाद्यान्न। दिन रात चल रही मदद की मुहिम।